जनाब। अच्छा पहले तो ये हुआ करता था कि आपसे ये सवाल पूछा जाए कि आप किस हीरोइन के साथ काम करना चाहते हैं। अल्लाह ताला ने एज एन एक्टर आपको जितनी इज्जत दे दी है, हीरो साहब कौन सी एक्ट्रेस है जिसका आप चाहें कि अब उसके भी नसीब खुल जाएं आपके साथ? अरे 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 हाँ हाँ अरे नहीं नहीं अरे हाँ ना ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो राइटर पकड़े जी, बिल्कुल, जो ऐसी कहानी लिखे। म्यूजिक में हो गया, मेरा इरादा तो नहीं ना मौका। हाय गाइस, हे हेलो मी, हाउ आर यू? आई एम गुड, व्हाट्स अप? व्हाट्सएप तो मेरा ऑन है। अब्बा जी फराग तू पहले खुला पाया, आज तेरा नसीब भी खुल गई। ओ किवें उधर वेख कौन आए, काबली पलाव तो तुहाडे कोल है ही, आ जान लगे हैदराबाद की बिरयानी भी नाल ले। हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन। आपकी तो बहुत रिक्वेस्ट आई है, मैंने हराम है जी एक्सेप्ट की हो। इनके मैसेजेस से ना मेरा इंस्टाग्राम बड़ा पड़ा है। क्या मैसेज क्या था? ठहर तो जाओ, बड़े बड़े अच्छे मैसेज, हाय हेलो कैसी हो, क्या कर रही हो, यू सी मी? मैं कह नो आई सी यू। मैं तो आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैंने इनको ये गुलाम है दीन साहब है ना? अच्छा नवाजुद्दीन है। बता दे जल्दी। बहुत से सालों से पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री में अपनी खिदमात पेश कर रहे हैं और वो सारी की सारी खिदमात कामयाब जा रही हैं, उसके बदले अवार्ड मिल रहे हैं। तिजामुद्दीन साहब हमारे मुल्क का एहसासा है ये जनाब। एहतशामुद्दीन साहब, मैं माफी चाहती हूँ, मेरी ऐनक में ना धुंध आई हुई थी। हाय सदके जाओ, जो बंदा ऐनक दे सकता है वो अपने दिल भी दे सकता है। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप मेरे हाजी मुश्ताक, मैं आपकी बारबरीन। देखे आपने इतना खूबसूरत ड्रामा बनाया है काबली पुलाव, मुझे हिरवन लेके एक मतंजन भी बनाए ना। इतनी नेचुरल एक्टिंग मैंने पहले कभी नहीं देखी। वैसे एहो जी हिरवन लेके निहारी बन सकती बहुत अच्छी। अच्छा बात सुने, आपकी सीरियल में अगर कोई मुर्दे का रोल हो ना तो वो आपने सरदार साहब कराने।